हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ ब्रेन टीजर्स चैप्टर 14 मेंसुरेशंस। सो हियर इज द क्वेश्चन। अ वेल इज डग 20 मीटर डीप। वेल किस शेप का है? सिलेंड्रिकल का। कितने डेप्थ तक उसे डिग किया गया? 20 मीटर तक, यानी ये उसकी हाइट है। एंड इट हैज डायामीटर 7 मीटर। तो डायामीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, 3.5 मीटर। द अर्थ विच इज सो डग। तो उस वेल को खोदकर जो मिट्टी निकाली गई, द अर्थ विच इज सो डग आउट इज स्प्रेड। उसको स्प्रेड कर दिया गया और एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया गया जिसकी लेंथ जो है वो 22 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 14 मीटर है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। अब आप सोचो कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया गया उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, तो वो कौन सी शेप गेन करेगा? वो बनेगा क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल शेप बनेगी। तो आपने क्या करना, जो आपने वेल में से मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और उसका वॉल्यूम किसके इक्वल कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लॉट, जो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, सॉरी क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म के इक्वल करेंगे, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? डेप्थ ऑफ सिलिंड्रिकल वेल, डेप्थ ऑफ सिलिंड्रिकल वेल कितनी दे रखी है? सिलिंड्रिकल वेल की डेप्थ, इसे आप एच से लिखेंगे, एच दैट इज 20 मीटर। देन डायामीटर, इसी का सिलिंड्रिकल वेल का ही डायामीटर कितना? 7 मीटर। तो रेडियस आर, इट इज 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। अब देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out, volume of earth dug out from the well, volume of earth dug out from the well, that will be equal to pi r square h, means volume. तो पाई इज 22/7, आर इज 7/2 इंटू 7/2, ये आर स्क्वेयर कर दिया, एक आर 7/2 था तो यहां आर स्क्वेयर है तो दो बार लिखा, इंटू एच 20, और यूनिट क्या आएगी? मीटर क्यूब। अब जो भी कैंसिलेशन होती है 7/7 से, 2/1 are 2, 2/10 are 20, 2/1 are एंड दिस इज 11, सो 11/7 are 77 और एक साथ में 0, 770 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल। लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म बनाया उसकी हाइट एज्यूम कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, आप उसकी हाइट x एज्यूम कर लो, x मीटर। लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू x मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्या बनाया? इट इज रेक्टेंगुलर प्लॉट, वॉल्यूम ऑफ प्लॉट, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, इसकी लेंथ है, ब्रेड है, हाइट है, तो क्यूबॉइडल बनेगा। इट इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू एच। तो इसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 22, इंटू ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 14, और h के प्लेस के ऊपर आप x लिख दो, मीटर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ प्लॉट या प्लेटफॉर्म लिखो, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, इस प्लॉट को भी आप बेटर है प्लेटफॉर्म कर लो बिकॉज इट इज क्यूबॉइडल शेप,
प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल. तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, 22 इंटू 14 इंटू एक्स, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट 770. तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 770 अपॉन 22 इंटू 14, 11 टूज आर 11, 7 आर 77, 0, 2 वन्स आर 2, 3 आर 6, 1, 2 5 आर 10, 7 टूज आर 14, 7 5 आर 35. सो इट हैज कम आउट टू बी 5/2 meter, 5/2 meter. पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2.5 meter. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड, देयरफॉर एक्स क्या मानी थी आपने, हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड दैट इज इक्वल टू 2.5 meter. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ ब्रेन टीजर्स. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. To get the notification of more videos posted, you must subscribe the channel and keep the notifications also on. Like the videos posted. Thank you.